फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्डो ने पैगंबर मोहम्मद के उन कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया है जिनके कारण साल 2015 में वो खतरनाक चरमपंथी हमले का निशाना बनी थी। इन कार्टूनों को उस समय पुनर्प्रकाशित किया गया है जब एक दिन बाद ही 14 लोगों पर 7 जनवरी 2015 को शार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमला करने वालों की मदद के आरोप में मुकदमा शुरू होने वाला है। इस हमले में पत्रिका के प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद पेरिस में इसी से जुड़े एक अन्य हमले में 5 लोगों की जान चली गई थी। इन हमलों के बाद फ्रांस में चरमपंथी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था। पत्रिका के ताजा संस्करण के कवर पेज पर वो 12 कार्टून छापे गए हैं जिन्हें शार्ली एब्डो में प्रकाशित होने से पहले डेनमार्क के एक अखबार ने छापा था। इनमें से एक में पैगंबर को सिर पर बम बांधे दिखाया गया था। साथ में फ्रेंच भाषा में जो हेडलाइन लिखी गई थी उसका अर्थ था, वो सब कुछ इसके लिए ही था। अपने संपादकीय में पत्रिका ने लिखा है कि 2015 के हमले के बाद से ही उससे कहा जाता रहा है कि वह पैगंबर पर व्यंग्य चित्र छापना जारी रखे। संपादकीय में लिखा गया है, हमने ऐसा करने से हमेशा इनकार किया, इसलिए नहीं कि इस पर प्रतिबंध था। कानून हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है, मगर ऐसा करने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए थी, ऐसी वजह जिसका कोई अर्थ हो और जिससे एक बहस पैदा हो। इन कार्टूनों को जनवरी 2015 के हमलों में सुनवाई शुरू होने वाले हफ्ते में छापना हमें जरूरी लगा। 14 लोगों पर शार्ली एब्डो के पेरिस वाले दफ्तर पर हमला करने वाले लोगों के लिए हथियार जुटाने और उनकी मदद करने के अलावा बाद में यहूदी सुपरमार्केट और एक पुलिसकर्मी पर हमला करने में मदद का आरोप लगा है। 3 लोगों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चल रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि वे उत्तरी सीरिया या इराक भाग गए हैं। RFI के मुताबिक 200 याचिकाकर्ता और हमले में बचे लोग इस मुकदमा के दौरान गवाही दे सकते हैं। इस मुकदमे को मार्च में शुरू होना था मगर कोरोना वायरस के कारण इसे टाल दिया गया। माना जा रहा है कि सुनवाई नवंबर तक चलेगी। 7 जनवरी को सैड ऑफ चेरिफ कोची नाम के भाइयों ने शार्ली एब्डो के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की थी। 4 बोनियर, 4 कार्टूनिस्टों, 2 स्तंभकारों, 1 कॉपी एडिटर, 1 केयर टेकर और 1 मेहमान की हत्या कर दी थी। हमले में एडिटर के अंगरक्षक और एक पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे। पुलिस ने जब इन भाइयों की तलाश शुरू की थी तो एक संकट पैदा हो गया। इनके एक सहयोगी ने एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी और एक यहूदी सुपरमार्केट में कई लोगों को बंधक बना लिया। इस शख्स ने 9 जनवरी को 4 यहूदियों की हत्या कर दी। बाद में उसकी भी पुलिस की गोली से मौत हो गई। मरने से पहले रिकॉर्ड किए एक वीडियो में इस शख्स ने कहा था कि इन हमलों को इस्लामिक स्टेट समूह के नाम पर अंजाम दिया गया है। शार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमला करने वाले भाइयों की भी पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। शार्ली एब्डो सत्ता विरोधी व्यंग्य छापती है। अति दक्षिणपंथी ईसाई, यहूदी और इस्लामिक मान्यताओं पर प्रहार करने को लेकर यह पत्रिका लंबे समय से विवादों में रही है, मगर पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून बनाने के बाद से इसकी टीम को लगातार धमकियां मिल रही थीं और 2011 में इसके दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था। पत्रिका के संपादक ने अपने कार्टूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सही बताया था। 2012 में उन्होंने समाचार एजेंसी AP से कहा था, हमारी ड्राइंग्स पर अगर मुसलमानों को हंसी नहीं आती तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैं फ्रांसीसी कानून के राज में रहता हूँ, मैं कुरान के कानून के तहत नहीं रहता। 2015 के हमलों के बाद हजारों लोग शार्ली एब्डो के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे और मैं चार्ली हूँ हैशटैग और यह नारा पूरी दुनिया में छा गया था। पैगंबर के कार्टून छापने को लेकर पाकिस्तान ने शार्ली एब्डो की निंदा की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में 2 ट्वीट किए गए हैं। इनमें कहा गया है, फ्रांसीसी पत्रकार शार्ली एब्डो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बेहद आपत्तिजनक व्यंग्य चित्र फिर से छापने के फैसले की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। आगे लिखा गया है, अरबों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए इस काम को प्रेस की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के काम शांतिपूर्ण वैश्विक सह अस्तित्व और सामाजिक सौहार्द की भावना को नुकसान पहुँचाते हैं।